सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम है विपिन कुमार। और बताओ क्या हालचाल है, सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तब वीडियो देखते रहो। शुरुआत करेंगे महंगाई की मारते। आपने गो गानो तो सुनो ही होगो कि महंगाई डाइन खाए जाते। अब यह गाने की सच्चाई को आप या वीडियो से समझने की कोशिश करो। जी हाँ, आपने देखो होगो कि महिलाएं क्यों रो रही हैं, क्यों चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, आखिर इन्हें हुआ का है। रोती बिलखती इन महिलाएं को देखने ते कि लग रो है कि इन्हें कई बड़े हादसे ते गुजरनो पड़ो है, लेकिन ऐसो है नहीं। क्योंकि तन्ना गौर ते देखो, इनके सामने रसोई गैस को सिलेंडर धरो है, जा पे फूलन की माला पहनाई गई है। अब आपको बहुत हद तक न सही, कछु हद तक तो मामलो जरूर समझ में आएगो होगो। अब हम आपको समझांगे कि आखिर के महिलाएं रोचो रही हैं। भले ही इनके संग कोई बड़ो हादसो ना हुआ हो, पर गे मामलो भी कई हादसे ते कम नहीं है। एक बार फिर से गौर से इन रोती बिलखती महिलाएं को देखो। अब तो आपको मामलो पूरी तरह से समझ में आ ही गए होगो। दरअसल रोती बिलखती महिलाएं को गे वीडियो तेजी से वायरल है रो। ये महिलाएं रसोई गैस के सिलेंडर के दामन में लगातार हुए जा पे थे इतनी आहत हैं कि गैस सिलेंडर पे फूलन की माला पहना के अंतिम विदाई देने को मजबूर है गई हैं। तो ये है महंगाई की मार। जाएगी सह नहीं पा रही महिलाएं, फिर भी सरकार है कि सुनने को नाम ही नहीं ले रही। अब भला इनकी कौन सुने? तो आप एक बार फिर गाने यानी कि महंगाई डाइन खाए जाते को जरूर सुनो और बढ़ती महंगाई को आनंद लो। अब हम आपको गाजीपुर बॉर्डर के नैया लिए चले, जहां किसानन को प्रदर्शन चल रो है। जब आप गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे तो कई ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जाते कि अंदाजो लगाया जा सके है कि किसानन को प्रदर्शन पहले ते कहीं ज़्यादा उत्साह के संग चल रो है। अब आप यह तस्वीर को देखो, कैसे बड़ी संख्या में आम लोगों के संग महिला और बच्चे नारे लगाते हुए प्रदर्शन में शामिल है रहे। ये सभी किसानन के हक में नारे लगाते हुए मंच की तरफ जा रहे हैं। या तो आप ये अंदाजो लगाया जा सके है कि किसानन के समर्थन में महिला और बच्चा भी बड़ी संख्या में शामिल है रहे। अब आप यह तस्वीर को भी देख लो, ये महिलाएँ अपने घर में नहीं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर के वह घर में बैठ के लंगर की तैयारी कर रही हैं। जाए इन्होंने अपने घर बना लिए, को भी तब तक के लिया जब तक सरकार उनकी मांगन को न मान ले। और ख़ास बात यह है कि हर उम्र की महिलाएं लंगर की तैयारी में शामिल हैं, गो भी पूरी उमंग के संग। और ये भी देखो आपने कि किस तरह से प्रदर्शन में शामिल पुरुषन के संग संग महिला भी कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। मतलब यह है कि किसान प्रदर्शन में महिलाएं की भागीदारी काई भी रूप में कम नहीं। अब आपको एक और ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जय देख के आप बड़ी आसानी से गेत कर पाएंगे कि जिन किसानन के बारे में न जाने कहाँ कहाँ बात है रही है। दरअसल गो कई तरह से शांतिपूर्ण तरीका से ही अपनी मांगन को मंगवाने के नैया चले हैं। अपनो विरोध
जता रहे हैं, जय सिर्फ और सिर्फ शांति को मार्गी कह सकें। तो देखिए इन बाबा को जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे तप को मार्ग अपनाया हुआ है, ये तप के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा चिलचिलाती धूप में तप कर रहे हैं, जो यह बात को साबित करने के नहीं आ काफ़ी है कि प्रदर्शनकारी शांति के मार्ग पर चल के ही अपनी बातन को। तो देखो आपने गाजीपुर बॉर्डर के वो दृश्य जो किसानन की मांगन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा फनकारन की या प्रस्तुति के संग जिन्होंने इनकलाब की सदा बुलंदी करी है, तो आप या सुनो और मोए दो इजाजत। नमस्कार। इंकलाब के नारे में ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, तूने तो तब ही बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, ये पूरी मुक्ति नहीं है यारों संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है, इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में, रोते हुए जवानों में, ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ए भगत सिंह तू जिंदा है हर में। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।